कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पीएम श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि बख्शी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला कश्मीर का दौरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता चले पीएम मोदी आज जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। धारा 370 हटने के बाद ये पीएम का पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तीन खास तस्वीरें हैं। कश्मीर घाटी बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। पीएम मोदी का बस इंतजार जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है उस पल का जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और जन्नत को विकास की रफ्तार में और आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी ने नई सोच नया जम्मू कश्मीर के नाम से एक वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है। आज यहाँ गरीब के घर पे फ्री है, सबका विश्वास आज जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। देश के अंदर जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी कोना, आज यहाँ गरीब के घर पे फ्री अनाज जा रहा है, गरीब का मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है, गरीब आगे बढ़े उसके बच्चे को स्किलिंग की जा रही है, उसके बच्चे को नौकरी दी जा रही है, विश्वकर्मा के माध्यम से उसके रोजगार को बढ़ाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मिशन कश्मीर पर जब पीएम मोदी जाएंगे कश्मीर, तो आखिर वहां पर लोगों को क्या सौगात देंगे? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो समझाने की कोशिश करेंगे। 5,000 करोड़ का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना के तहत 1,400 करोड़ 52 पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा। चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके साथ देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 अभियान की भी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। उसके बाद 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र पीएम मोदी देंगे। पीएम मोदी के दौरे पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहद ही सख्त कर दी गई है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में 3 स्त्री यानी कि 3 लेवल की सुरक्षा का घेरा जो है वहां पर बनाया गया। स्टेडियम के पास की ऊंची इमारतों पर सुरक्षा बल की तैनाती है। साथ ही श्रीनगर के कई स्थानों पर अस्थायी जांच चौकियां भी बना दी गई है, यानी परिंदा पर ना मार सके ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। जानकारी है कि 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। चाक चौबंद तस्वीरों में देख सकते हैं व्यवस्था। तो ऊंची इमारतों पर सुरक्षा बल का कब्जा है, यानी कि ऊंची इमारतों से जो जवान है सुरक्षा बल के वो अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। हर एक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, वाहन चालकों से भी तलाशी ली जा रही है। तो धारा 370 हटने के बाद आखिर कश्मीर घाटी में बदला क्या, अब आपको वो बताते हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई हैं, आतंकी घटनाओं में कमी आई, शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से अब चल पा रहे हैं, कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और इसके साथ 1 साल में 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर पहुंचे, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ साथ निवेश के नए रास्ते भी जम्मू कश्मीर में खुलकर सामने आए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर के लोगों में काफी उत्साह है। स्टेडियम के आसपास के पूरे इलाके को तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है, सजा दिया गया है। बड़ी संख्या में स्टेडियम के पास लोग पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे हैं और इंतजार उस पल का जब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर लोगों से मुखातिब होंगे। करके
पक्षी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। समझा जा रहा है कि एक मेगा रैली होगी, हजारों की तादाद में उसमें लोग शिरकत करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का हाल, यहाँ पे काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर से जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, बीजेपी के लीडर्स भी यहाँ पे हैं। इस वक्त एक तो वो नेशनल फ्लैग लगा रहे हैं और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स हैं वो यहाँ पे इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं। मैं फेरोज को कह दूं कि यहाँ से दिखाएं, आप देख सकते हैं इन सड़कों को सजाया जा रहा है, फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मौका है जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे और एक जनसभा से वो संबोधित करेंगे, तो ये समझा जा रहा है कि एक मेगा रैली होगी। हालांकि पॉलिटिकल पैगाम भी उसमें ज़रूर होगा क्योंकि आने वाले दिनों में ही पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, बहुत जल्द जो है डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा एरिया जो है, एक तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दूसरा इस पूरे एरिया को सजाने की कोशिशें अब शुरू कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो भी यहाँ पे हैं, उनके साथ में बाकी लीडर्स हैं। सुरक्षा का पहरा आप देख सकते हैं, चाहे वो CRPF का हो, पुलिस का हो, SSB का हो, अन्य सुरक्षा बल जो हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। तो ये है इस वक्त श्रीनगर की सड़कों का हाल, जहाँ पर चप्पे चप्पे पे बीजेपी के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, रविंदर रैना खुद यहाँ पे बीजेपी के फ्लैग्स लगा रहे हैं और नेशनल फ्लैग्स भी लगा रहे हैं, यानी भारत का तिरंगा जो है उसको भी लहराया जा रहा है और साथ ही फ्लैग्स भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, हर तरफ से बीजेपी के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस रैली में क्या कहेंगे, क्या रहेगा उनका खास फोकस। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, श्रीनगर। पीएम मोदी के बयान पर लालू प्रसाद ने भी जवाब दिया। लालू प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, साथ ही मैं हूं मोदी का परिवार अभियान पर उन्होंने तंज भी कसा है। क्लियर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ। तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ बाल के सब छिलवाया जाता है, छिलाया जाता है, नाखून टुकवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, मनावटी परिवार हो, तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? लक्ष्य कर रहे हैं और जो हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह का बात बोला, कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों ने बोला है, अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। फेक हिंदू हो न गई, हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना, बाल कहाँ छिलवाया, ये लोग सबको तो पता नहीं ना है, तो बाकी लोग उनके भाई वही लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए? इसलिए फेक कहा, कोई गलत नहीं कहा हमने। पीएम मोदी ने बेतिया की रैली में जंगल राज का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम के बयान का समर्थन किया और कहा है कि 90 के दशक में बिहार के लोगों ने काफी पलायन किया, ये कटु सत्य है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू परिवार इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले, लेकिन राज्य की जनता जानती है कि जब वो जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें कोई नहीं मिला सिवाय उनकी पत्नी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो वही सच कहा है जो 90 के दशक में बिहार के लोग, बिहार के युवा पलायन किए, ये कटु सत्य है। और सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी होते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते और फिर सुपर जंगल राज यहाँ होते। ये दुनिया जानता है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि लालू यादव जी का परिवार सीमित है, वो भले किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करके
वोट ले लें, लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है, जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला राबड़ी जी को बनाए, और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा, किसी दूसरे को। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लॉरेंस गैंग के दो शार्प शूटर बिहार से दबोच लिए गए हैं। बिहार की मुजफ्फरनगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। शार्प शूटर सुनील कारोलिया शाहनवाज साहिल अरेस्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। शंकर, दो शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त में दो जो शार्प शूटर हैं जिसको बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और इन दोनों शार्प शूटर का नाम है सुनील करोलिया और दूसरा आरोपी का नाम है शहनवाज साहिल, जो कि इन दोनों शार्प शूटर की अगर बात करें तो इसका सीधे तौर पर संबंध जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ, ऐसा बताया जाता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जुड़ा हुआ है, पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों शार्प शूटर की तलाश जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली पुलिस की जो विशेष तौर पर जो स्पेशल सेल है वो इसे तलाश रही थी, और पिछले काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था। और जिस तरह से इन दोनों आरोपियों की भूमिका है ये रही है कि ये अवैध तौर पर धमकी देना और किसी को जान से मारने की जो कोशिश करना, इस मामले पे इन दोनों को तलाशा जा रहा था। और इन दोनों की के खिलाफ चाहे राजस्थान पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, तो उनके द्वारा इसे तलाशा जा रहा था, क्योंकि इनके खिलाफ कई राज्यों में कई मामले रजिस्टर्ड थे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी हुई है मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के आसपास का जो बॉर्डर इलाका है वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब बकायदा जांच करने वाले जो टीम है वो इस मामले को तलाश रही कि आखिर बिहार जाने का रीजन क्या था, और खास तौर पर जो बिहार का जो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर लोकेशन की अगर बात करें तो जांच करने वाली टीम इस मामले को भी जांच रही है, कहीं वो बिहार के रास्ते वो नेपाल भागने की तैयारी में तो नहीं था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी, और कहा जा सकता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ जिस तरह से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों आरोपियों को, तो इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। नेपाल भागने की फिराक में थे शंकर, या फिर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, क्या जानकारी मिली ये बताइएगा। इसका ये भी बताइएगा कि प्रोडक्शन वारंट पर क्या दिल्ली पुलिस जो है इनको दिल्ली लेकर के आने की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, फिलहाल जिस तरह से इसके खिलाफ मामले रजिस्टर्ड हैं, तो अभी सबसे पहले तो बिहार पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि बिहार से क्या इन लोगों का कनेक्शन रहा है, क्या बिहार में कोई वारदात करने की तैयारी थी, या बिहार के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी थी। तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है, और इस मामले में देखना लाजमी होगी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या राजस्थान पुलिस या हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस, कौन से पुलिस इस मामले पर आगे जो ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हैं वो देखना लाजमी होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इसके खिलाफ जो कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, तो अब इस मामले पर जो तमाम राज्यों की पुलिस है आपस में भी कोऑर्डिनेट करती है, और आपस में कोऑर्डिनेट करने के बाद उसके बाद उसकी रिमांड लेने की बात करती है। तो जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो जिस तरह से गठन किया गया था, अलग अलग राज्यों के पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके, आप देखना लाजमी होगा कि किस राज्य को बकायदा लाया जाएगा, ये देखना लाजमी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शंकर। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।